होता कि ओ माई गॉड जैसी उम्दा फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्देशक उमेश शुक्ला ऑल इज वेल जैसी खराब फिल्म बना सकते हैं। रोड ट्रिप के जरिए एक बेटे और माता पिता के बीच की दूरियां खत्म होने की कहानी उन्होंने पेश की है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उल्लेखनीय कहा जा सके। इंदर के पिता भल्ला और माँ पम्मी आपस में लड़ते रहते हैं। इंदर के पिता की एक बेकरी है जिससे खास आमदनी नहीं होती है। माता पिता के विवादों से परेशान इंदर बैंकॉक चला जाता है ताकि अपना म्यूजिक एल्बम निकाल सके। 10 साल बाद इंदर को फोन आता है कि उसके पिता बेकरी बेचना चाहते हैं और इसके लिए इंदर की साइन की जरूरत है। भारत लौटने पर इंदर को पता चलता है कि उसकी माँ को अल्जाइमर है, पिता पर 20 लाख रुपए का कर्ज है। चीमा नामक गुंडा यह वसूलना चाहता है। इंदर के पिता बेकरी बेचने के लिए तैयार नहीं है। बैंकॉक से इंदर के साथ निम्मी भी भारत आती है। इंदर को निम्मी बेहद चाहती है, लेकिन अपने माता पिता के अनुभव के आधार पर इंदर शादी नहीं करना चाहता। चीमा को इंदर, उसके माता पिता और निम्मी किसी तरह चकमा देखकर भाग निकलते हैं। इंदर के पीछे चीमा और चीमा के पीछे पुलिस। इस भाग दौड़ में कई गड़बड़ियां होती है। कुछ दिन बाप बेटे साथ गुजारते हैं और उनके बीच की गलत फहमियां दूर हो जाती है। फिल्म में प्लस पॉइंट्स तो ढूंढे नहीं मिलते, केवल एक गाना ही सुनने लायक है। फिल्म की स्क्रिप्ट बकवास है। ऐसे कई सवाल हैं जो फिल्म देखते समय लगातार उठते रहते हैं। भल्ला आखिर क्यों अपनी पत्नी पर चिल्लाता रहता है? इंदर अपने पिता से इसलिए नाराज हैं क्योंकि वे जिंदगी में लूजर हैं, लेकिन 10 वर्षों में उसने भी न पैसा कमाया न नाम। पिता से पंगा था इसलिए 10 साल बात नहीं की, लेकिन माँ को किस बात की सजा दी? निम्मी आखिर क्यों इंदर के पीछे पड़ी रहती है जबकि इंदर उसमें कभी रुचि नहीं लेता और शादी से साफ इनकार भी कर देता है? इंदर की माँ को अल्जाइमर रहता है, लेकिन फिल्म के आखिर में वह अचानक कैसे ठीक हो जाती है? पौराणिक किरदार श्रवण कुमार से भी इंदर के कैरेक्टर को जोड़ने की तरकीब फिजूल है। कोई भी किरदार ऐसा नहीं है जिससे दर्शक अपने आप को कनेक्ट कर सके। निर्देशक उमेश शुक्ला का प्रस्तुतिकरण बहुत ही कमजोर है। हास्य के नाम पर उन्होंने ऐसे दृश्य परोसे हैं मानो सब टीवी का कोई फुहड़ धारावाहिक देख रहे हों। बासी चुटकुलों से हंसाने की कोशिश की है। मनोरंजन का फिल्म में नामो निशान नहीं है। बुरी स्क्रिप्ट और निर्देशन का असर कलाकारों की एक्टिंग पर भी पड़ा। ऋषि कपूर चीखते चिल्लाते रहे। अभिषेक बच्चन का अभिनय देख ऐसा लगा कि मानो उन्हें फिल्म करने में कोई रुचि ही नहीं है। यही हाल असीन का भी है। सुप्रिया पाठक जैसी अभिनेत्री को तो अवसर ही नहीं मिला। चीमा के रूप में जिशान अयूब ने अपने अभिनय से किरदार में जान डालने की कोशिश की है। सोनाक्षी सिन्हा ने सिर्फ संबंधों की खातिर एक आइटम सॉन्ग किया जो देखने लायक ही नहीं है। फिल्म का टाइटल जरूर बताता है कि ऑल इज वेल, लेकिन सच्चाई से यह बात कोसों दूर है। इस फिल्म को मैं 5 में से 1 स्टार देता हूँ।